हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए जो पुरानी सीडी या डीवीडी के अंदर शादी के जो वीडियोस है या कोई भी आपका फंक्शन है घर का जिसका हम लोग क्या है पुरानी सीडी या डीवीडी के अंदर है वो पड़ा हुआ है, हम लोग उसको स्मार्ट एलसीडी में या टीवी के अंदर वो चलाना चाहते हैं, तो सिंपली हम लोग कैसे चलाने वाले हैं? तो वीडियो भी फाइल को हम लोग क्या MP4 के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं HD के अंदर। तो एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं, ज्यादा MB का भी नहीं है, जिससे इजीली हम लोग क्या है उसको वीडियो भी फाइल को या सीडी की जो फाइल्स होती है वीडियो की उसको हम लोग MP4 में HD के अंदर या 4K के अंदर वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है ना, वो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन करना है, और क्रोम ब्राउजर ओपन करके आपको सिंपली क्या लिखना है, DVD winaxdvd.com सिंपली आपको क्या करना है सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे फर्स्ट और फर्स्ट पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपली टैप करना है, और यहां से आपको सिंपली क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो डेस्कटॉप पे आया हुआ है। आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये डेस्कटॉप पे वो इस तरीके से आ जाएगा। सिंपली इसको क्या करना है आपको ओपन करना है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है तो सिंपली आपको करना क्या है, जो वीडियो आपका पुरानी DVD के अंदर है, जैसे मेरे पास कुछ पुराने वीडियोज़ हैं DVD के, ये देखिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा इस वीडियोज़ को यहाँ पे लाके डाल दूँगा। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, जनरल पे आऊँगा, यहाँ पे MP4 है वो क्वालिटी ऑन कर दूँगा, तो सिंपली ओके कर दूँगा और यहाँ पे रन कर दूँगा। ठीक है, 5 सेकेंड या 4 सेकेंड लेगी, कुछ टाइम लेगा, बस यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है। तो ये VOB वीडियो है वो MP4 के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो VOB to MP4, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के बाद है वीडियो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुल हो गया और ये वीडियो अपना है वो कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, ये MP4 के अंदर है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को है वो MP4 में है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तरीके से हम लोग किसी भी VOB फाइल को MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।